एक ट्रेलर 80 मिलियन व्यूज ऑन नेटफ्लिक्स जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म और सबसे मेन बात क्रिएटेड बाय राज एंड डीके, जिन्हें फैमिली मैन और फर्जी जैसी सीरीज के बाद हर कोई जानने लगा है। तो वही लेकर आए हैं गन्स एंड गुलाब्स, जिसका मैंने जब ट्रेलर देखा तो चार ऐसे मेन फ्रेम एक्टर्स को देख के मेरे मुंह से तो यही निकला, वाओ। तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और हाँ, थोड़ा टाइम हो गया इसको रिलीज हुए, फिर भी रिव्यू देख लो अगर अभी तक नहीं देखी है, और अगर देख भी चुके हो तो आपके और मेरे थॉट्स मिलते हैं या नहीं उसके रिगार्डिंग भी रिव्यू देख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसके 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड अराउंड 1 घंटे के आसपास का है, एक्सेप्ट इसका लास्ट एपिसोड जो कि अराउंड 1.5 घंटे का है। और इसके ट्रेलर से बेसिक स्टोरी तो समझ आ गई थी, इवन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई थी कि चलो नेटफ्लिक्स को फाइनली अपनी मिर्जापुर मिल गई। तो दो गैंग्स हैं, चार अतरंगी कैरेक्टर हैं, गन्स चल रही हैं, बहुत से रफड़े हैं, इवन कुछ ड्रग डील का भी चक्कर है, 90s का नॉस्टैल्जिया है और डार्क कॉमेडी है। तो इसका मतलब सीरीज सुपर डुपर हिट या फिर राज और डीके से इस बार गलती से मिस्टेक हो गई है। तो देखो कास्ट के मामले में तो इन्होंने मचा दिया है, क्योंकि प्योर टैलेंटेड बंदे एक साथ एक ही फ्रेम में, जैसे राजकुमार राव, इनकी इनोसेंट शक्ल पे मत जाना क्योंकि ये बंदा अपने आप को किसी भी कैरेक्टर में कैसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है ये जादू तो वही जाने, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एज पाना टीपू मुझे बहुत बढ़िया लगी। नेक्स्ट है दुलकर सलमान, जो कि एक पुलिस वाले के रोल में है, और उनको स्क्रीन पे देखना इज अ ट्रीट टू वॉच, क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी, ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम 10/10 रहती है, और गुड लुक्स के लिए तो अलग से ही मार्क्स है। और साथ में गुलशन देविया, जिन्होंने चार कट आत्माराम का जो कैरेक्टर प्ले किया है ना, मतलब मैं चाह रही थी कि उस कैरेक्टर को थोड़ा सा और दिखाया जाता, क्योंकि वो बंदा 1 मिनट से ऊपर कॉल पे बात नहीं करता है, किसी को मारने जाता है तो 4 कट मारता है। और भी कुछ क्रेजी चीजें थी उस कैरेक्टर के बारे में जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में, थोड़ा और दिखा देते तो और बढ़िया होता। खैर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आदर्श गौरव, मतलब ये एक बंदा ऐसा है कि इतनी कम एज में भी इसकी एक्टिंग से लोगों को सीखना चाहिए। एक तरफ हॉस्टल डेज जैसी सीरीज में एक सिंपल से लड़के का कैरेक्टर, और दूसरी तरफ वाइट टाइगर में एक डार्क कैरेक्टर, और अब गन्स एंड गुलाब्स में छोटा गांची का एक चैलेंजिंग कैरेक्टर। बंदे की वर्सेटैलिटी की तो तारीफ है। और इसमें लेट सतीश कौशिक जी, टीजे भानु और पूजा गौर ने भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं। तो कास्ट तो इतनी बढ़िया, लेकिन स्टोरी के मामले में मुझे थोड़ा सा तो ऐसा फील हुआ कि किसी पुरानी 70s-80s के पिक्चर के प्लॉट को लेके ना थोड़ा नया फ्लेवर के साथ ऑडियंस को दिखा दिया है कि हाँ भाई नेटफ्लिक्स जैसे हाई एंड प्लेटफॉर्म पे जा रही है सीरीज, तो उस तरह का स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट ऐसे थे जो कि काफी प्रिडिक्टेबल थे। फर्स्ट से थर्ड एपिसोड में बिल्ड अच्छा होता है, लगता भी है कि हाँ इतने सारी चीजें दिखा रहे हैं तो आगे ये कैसे कैसे इसको लिंक करने वाले हैं, लेकिन जब इसके मिडिल के एपिसोड स्टार्ट होते हैं ना, 4th से लेके 6th एपिसोड तक, तो आप ये सोच रहे होते हो कि क्या चल रहा है, इवन स्टोरी भी थोड़ी सी ड्रैग फील होती है, काफी सारे प्लॉट्स आ जाते हैं तो लिंक करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 7th एपिसोड तक आते आते चीजें लिंक होनी स्टार्ट हो जाती हैं और आपको समझ में आता है कि अच्छा ये वाले सब प्लॉट्स क्यों थे। तो लास्ट एपिसोड के अंदर ही मेन मसाला है, थोड़ी सी स्टोरी वहाँ पे भी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, इवन एक सीन तो थोड़ा सा अनरियल भी लगता है, लेकिन सीरीज के 90s की जो डिटेलिंग है वो आपको ये सारी चीजें शायद ओवरलुक करने में हेल्प करे, स्पेसिफिकली अगर आप 90s किड हो तो। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, सिनेमाटोग्राफी है, इवन डायलॉग्स हैं, वो भी काफी हद तक थोड़े से पुराने टच में है, तो वो काफी अच्छा लगता है देखने में। इवन डार्क कॉमेडी का भी जो एलिमेंट है काफी जगह पे वो काफी बढ़िया लगता है। तो वैसे तो ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज है, लेकिन इसमें एक्शन के सीन्स भी हैं, क्योंकि वायलेंस दिखाया है, तो एक्शन सीन्स मुझे उतने प्रॉपर नहीं लगे, काफी कम लाइटिंग में शूट किए गए, क्लियरली कुछ नजर नहीं आ रहा कि कौन किससे कैसे लड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। बाकी सीरीज में काफी सारी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हुई है, तो स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स, और इस सीरीज के क्लाइमैक्स पे अगर थोड़ा सा काम और होता तो ये एक और अच्छी सीरीज बन सकती थी। क्लियरली राज और डीके की बेस्ट सीरीज नहीं है, जो भी अटेम्प्ट है अच्छा है, एक बार देख सकते हो, और क्लाइमैक्स से ऐसा लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर आपको डार्क कॉमेडी सीरीज पसंद है, इन चारों एक्टर्स के फैन हो, देखना चाहते हो इनकी परफॉर्मेंसेस को, तो उसके लिए आप एक बार गन्स एंड गुलाब्स देख सकते हो। इसका कंपैरिजन आप राज एंड डीके की पुरानी सीरीज से मत करना, क्योंकि एक थोड़े से डिफरेंट जॉनर की सीरीज है। तो अगर ये रिव्यू पसंद आया हो और इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।